वेलकम टू आवर चैनल। स्वागत है दोस्तों हमारे इस चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में। दोस्तों गंगा एक्सप्रेसवे का भूमि अधिग्रहण लगभग 94% पूरा हो चुका है। दोस्तों गंगा एक्सप्रेसवे हापुड़ रोड पर बिजौली गांव से शुरू होकर प्रयागराज तक जाएगा। हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार मेरठ के किसानों को यूपी ईडा द्वारा जमीन खरीद के लिए करोड़ों रुपये जारी किया गया। तो आइए देखते हैं और विस्तार पूर्वक मैं आपको इसकी जानकारी दूंगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, दोस्तों साथ शेयर और कमेंट करना ना भूलें और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों पीएमओ की ओर से दावा किया जा रहा है कि एक्सप्रेसवे से औद्योगिक विकास, व्यापार, कृषि, पर्यटन आदि क्षेत्रों में बढ़ावा मिलेगा। इससे क्षेत्रों के सामाजिक आर्थिक विकास को भी प्रोत्साहन मिलेगा। पूरी तरह से निर्मित होने के बाद यह राज्य के पश्चिमी व पूर्वी क्षेत्रों को जोड़ा जाने वाला उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बन जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज से होकर जाएगा। एक्सप्रेसवे जिन जगहों से होकर गुजरेगा वहाँ के औद्योगिक और धार्मिक पड़ावों को भी आपस में कनेक्ट करेगा। इस एक्सप्रेसवे को दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा जिसके साथ दिल्ली की प्रयागराज तक की दूरी भी कम होगी। जब भी कोई भी परियोजना आती है तो किसानों और निबंधन विभाग का सबसे अधिक फायदा होता है। गंगा एक्सप्रेसवे एक ऐसा ही प्रोजेक्ट है जिससे अभी तक 1103 किसान करोड़पति बन गए हैं। इतना ही नहीं, किसानों के अलावा निबंधन विभाग भी मालामाल हो गया है। अभी तक सरकार द्वारा निबंधन शुल्क और स्टाम्प के रूप में 30 करोड़ रुपए से भी अधिक भुगतान किया जा चुका है। गंगा एक्सप्रेसवे बनाने वाली कंपनी ने बताया कि यह एक्सप्रेसवे कुल 594 किलोमीटर लंबा होगा जो कुल 12 जनपदों से होकर गुजरेगा। इस एक्सप्रेसवे से मेरठ के 9 गांव प्रभावित होंगे। इस गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण 195 हेक्टेयर जमीन पर किया जा रहा है जिसमें से सरकार ने 181 हेक्टेयर जमीन किसानों से खरीद ली है और 14 हेक्टेयर पुनर्ग्रहण की जाने वाली सरकारी भूमि है। उन्होंने बताया कि अभी तक इस एक्सप्रेसवे पर स्टाम्प और निबंधन शुल्क भुगतान के रूप में 30 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई 594 किलोमीटर है जिसका शिलान्यास पीएम मोदी ने 18 दिसंबर 2021 को कर दिया था। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक 12 जिलों से होकर गुजरेगा। गंगा एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए मेरठ जनपद के 9 गांवों को किसानों से कुल 181 हेक्टेयर भूमि खरीद की जानी थी जिसमें अक्टूबर 2021 तक 156 हेक्टेयर भूमि की खरीद सीधे किसानों से की जा चुकी है। बची भूमि 24 हेक्टेयर का विवाद और विरोध हो रहा है जिसका निपटारा सरकार कर रही है। मेरठ के 9 गांव में अभी तक 1103 किसानों से जमीन खरीदी गई है जिनको 461 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।